अस्सलाम वालेकुम जी, कदीर गर्ल्स कॉलेज से फैसल कदीर आपसे मुखातिब है। आज जिस टॉपिक पे मैंने डिस्कशन करनी है आपके साथ वो है एफएससी के बाद क्या क्या करना चाहिए। मेजॉरिटी एफएससी के बाद लोग बीएस स्टूडेंट करते हैं और बीएस में एडमिशन लेते हैं, जो कि 4 साल का कोर्स होता है, डिग्री होती है और वो इक्विवेलेंट टू मास्टर्स होती है। अच्छा, ये वो लोग ले सकते हैं हमारे डिफरेंट यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल में और मुख्तलिफ कॉलेज में जो बीएस करवाते हैं, जिनका अपना एक मेरिट होता है और एक वो सर्टन मेरिट पे स्पेशलाइज किस्म के सब्जेक्ट को चूज करके वो बीएस कर सकते हैं। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारी यूनिवर्सिटीज़ के पे स्केल और ड्यूज़ कुछ बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से मेजॉरिटी जो चकवाल के लोग हैं जो पे ऑफ नहीं कर सकते वो पढ़ना छोड़ देते हैं। तो आज मैं उन स्टूडेंट से मुखातिब हूँ जिन्होंने एफएससी तो कर ली है और उनका किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में नाम नहीं आया, लेकिन वो आगे पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ने के लिए एक दरमियान का रास्ता है जिसको हम एसोसिएट डिग्री ऑफ प्रोग्राम कहते हैं, और वो प्रोग्राम क्या है जिसमें आप 13th और 14th क्लास को पढ़ सकते हैं और 2 साल पढ़ सकते हैं। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस एजुकेशन आपको ये डिग्री इक्वलेंट टू बीए कहलाएगी, जो बैचलर डिग्री कहलाती है। अच्छा, इसके लिए पूरे चकवाल में बहुत सारे लोग बीए करवा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सरगोधा बोर्ड से करवाते हैं, कुछ गुजरात यूनिवर्सिटी से करवाते हैं, कुछ सरगोधा यूनिवर्सिटी से करवाते हैं, लेकिन हम लोग आपको एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी से कराते हैं। ठीक है, तो हम पिछले 8 से 10 साल से ये ADP आर्ट्स करवा रहे हैं, जो इक्विवेलेंट बीए होगा, और खुशकिस्मती की बात है कि इस दफ़ा हमारा जो बीए का रिज़ल्ट है उसमें जो टॉप ऑफ द चकवाल बची है वो उमर रुबाब हैं, जिसके 581 मार्क्स हैं और उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में चकवाल में टॉप किया है। ठीक है, तो ADP वी हैव अ वेरी एक्सपीरियंस टीचर्स, मिस साइमा हैं और एमफिल टीचर्स मौजूद हैं जो बैचलर्स की क्लासेस लेती हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग पे ऑफ नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा फीस यूनिवर्सिटियों में या किसी ऐसे प्राइवेट अदारे में जहाँ फीस बहुत ज़्यादा है वो, और FSC में उनके मार्क्स कम आए हुए हैं, तो इंस्टेड ऑफ लीविंग द एजुकेशन को छोड़ने के बजाय आप BA करें, 2 साल अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करें, उसके बाद साथ कोई हाईली स्किल्ड किस्म का कंप्यूटर कोर्स करवाएंगे हम आपको इसी 2 साल के अंदर ही। अब आपका BA भी कंप्लीट हो जाएगा जो 14th क्लास की इक्विवेलेंट होगा, और प्लस कंप्यूटर कोर्स भी हो जाएगा जिससे आप बेहतरीन किस्म की नौकरी भी ले सकेंगे। तो इसके लिए हमारे पास बहुत थोड़े दिन हैं, 25 अक्टूबर आखिरी डेट है पंजाब यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की। आप हमारे गिवन नंबर्स पे जो इस वीडियो के ऊपर आ रहे हैं फ़ौरन फ़ोन करें और फ़ौरन अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ। डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, NIC है, फॉर्म BA है, फादर का NIC है और अपनी 12th क्लास और मेट्रिक क्लास की डिग्री है। ठीक है, ये लेके फ़ौरन सुबह 8:30 से 11 बजे के दरमियान आएँ ताकि हम आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करवाएं और आप रेगुलर तौर पे बीए कर सकें। जितनी जल्दी हो सकता है एनरोलमेंट करें, घर बैठने से कुछ नहीं होगा। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कमिंग फ्यूचर। जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, इस लिहाज से 12वीं जमात की पढ़ी हुई तालबा कहीं भी नौकरी नहीं कर सकती सिवाय के मेड सर्वेंट के। मेड सर्वेंट बनने से बेहतर है अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करें और एजुकेशन हासिल करने की कोशिश करें, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है और जो हम सब के लिए ज़रूरी है। थोड़ी बात को बहुत जानिएगा। बहुत शुक्रिया।